पूर्व मीमांसा दर्शन में ऐसा मानते हैं वस्तु की उत्पत्ति और प्रलय माने वस्तुओं में परिवर्तन। मूल वस्तु तो नित्य है, परंतु जितने परिवर्तन होते हैं व्यष्टि और समष्टि में सब कर्म के कारण होते हैं। कर्ता की प्रधानता से पूर्व मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन जो है वो कहता है कि वस्तुओं का निर्माण तो ईश्वर करता है, परंतु फलों का भोगों का जो निर्माण है शरीर का निर्माण है, पशु पक्षी मनुष्य ये सब जीव अपने कर्मानुसार करता है। वैशेषिक दर्शन ऐसा मानता है कि सब चीजों में अपनी अपनी विशेषता होती है, वो जीव के कर्म से प्रकट होती है और ईश्वर तटस्थ होता है। परंतु योग और सांख्य ये कहते हैं कि सृष्टि तो प्रकृति से बनती बिगड़ती रहती है, इसमें ईश्वर का कोई खास हाथ नहीं। ये जीव जो है अपने को कर्ता मान करके इसमें फंस जाता है। असल में जीव का स्वरूप जो है वो दृष्टा है, साक्षी है, और दृश्य के साथ तादात्म्य होने के कारण ही ये सारा दुख है। समाधि लगाओ ऐसा योग कहता है, विवेक करो ऐसा सांख्य कहता है, और आत्मा तो दृष्टा है। वेदांत दर्शन कहता है कि केवल ये दृश्य का दृष्टा है इतना जानना काफी नहीं है, ये अद्वितीय है ये जानना काफी चाहिए। ब्रह्म है, अद्वितीय है। वो कहते हैं कि तुम्हारे मन में काल की वासना बैठी हुई है, इसलिए तुम जगत को अनादि और नित्य मानते हो और परमात्मा को भी अनादि और अनंत मानते हो। वो तो तुम्हारे दिल में काल की वासना है, नहीं तो कुछ अनादि नित्य अनंत कहने सुनने योग्य नहीं है। ये जो ऐसा मानते हो कि परमात्मा बड़ा भारी व्यापक है, तो कई लोग बहुत फूलते हैं कि हम साकार को नहीं मानते, निराकार मानते हैं, हर जगह परमेश्वर है। तो वेदांत ये कहता है कि तुम्हारे मन में जो जगह 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 बैठ गई है ना, जगह, इस जगह के संस्कार से ही तुम विस्तार मानते हो परमात्मा में, व्यापकता मानते हो। जरा अंतःकरण को छोड़ो तब पता चले परमात्मा सबका बीज है, कारण है। बोले रे, कार्य कारण भी तुम्हारे मन में कल्पित ही है। तो परमात्मा में दीर्घ विस्तार और अनादिता और अनंतता, दीर्घ विस्तार देश के संस्कार से और अनादिता और अनंतता काल के संस्कार से,
और कारण रूपता जो है ये कार्य प्रपंच के संस्कार से मनुष्य के अंतःकरण में बैठी है और वहीं मालूम पड़ती है। और इसका जो साक्षी है वो कालातीत है, देशातीत है और द्रव्यातीत है। और उसकी अद्वितीयता में देश काल द्रव्य की सत्ता ही नहीं है। तो योग सांख्य और वेदांत ये तीनों दृष्टा साक्षी आत्मा की प्रधानता से हैं। योग अभ्यास, सांख्य विवेक और वेदांत ब्रह्मात्मिक बोध, इनको साधन मानता है। और साक्षी के स्वरूप में अवस्थिति ये सांख्य योग का फल है और अद्वैत आत्मबोध ये वेदांत का फल है। और कर्ता की प्रधानता से न्याय और वैशेषिक और पूर्व मीमांसा ये दर्शन कर्ता की प्रधानता से है। पूजा उपासना और शरणागति, पूजा उपासना में कर्ता की प्रधानता और ईश्वर की ओर उन्मुखता, और शरणागति में ईश्वर की प्रधानता और कर्ता की गौणता। तो इस तरह से धर्म योग पर्यवसायी है। माने देखो, शारीरिक कर्म से तो धर्म होता है और मानसिक कर्म से योग होता है और बौद्धिक कर्म से विवेक होता है और अंत में कर्म रहित परमात्मा का साक्षात्कार वेदांत से होता है, जहाँ आना नहीं, जाना नहीं, बदलना नहीं, जन्मना और मरना नहीं। ये वेदांत शास्त्र का विषय है। जो लोग विचार से बचना चाहते हैं वो तो वेदांत के अधिकारी है ही नहीं। कोई भी विचार आवे, आस्तिकता का, नास्तिकता का, धर्म का, अधर्म का, शांति का, विक्षेप का, उससे बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो रामचरित्र जो है वो धर्म प्रधान है, मर्यादा है उसमें। ऐसे भी कह सकते हैं कि राम का चरित्र मर्यादा प्रधान है और श्री कृष्ण का चरित्र पुष्टि प्रधान है। योगी लोग राम का ध्यान करके अपने चित्त को सूक्ष्म करते हैं और वेदांती लोग श्री कृष्ण के सर्व समत्व को जान करके स्वयं तद्रूप हो जाते हैं। तो राम के चरित्र में ये विशेषता है कि उनका ध्यान करो तो संयम आवेगा अपने जीवन में और शांति आवेगी। राम शब्द का यही अर्थ शास्त्रों में किया गया है, रमन्ते योगिनो यस्मिन। राम को राम क्यों कहते हैं? योगी लोग जिसमें रमण करें उसका नाम राम। रमन्ते योगिनो ही अस्मिन। राम रमण का कर्ता नहीं है, राम रमण का अधिकरण है। माने राम रमता है नहीं, योगी लोग जिसमें रमते हैं सो राम। तो भागवत में जब रामचरित्र का उल्लेख किया गया तो कौशलेन्द्र अवतार नहा, कौशलेन्द्र भगवान राम हमारी रक्षा करें, माने हमें विक्षेप से बचावें। देखो, जिसको केवल भोग ही चाहिए या संग्रह ही चाहिए या उच्छृंखलता ही चाहिए, उच्छृंखलता माने तो जानते हैं, जो मौज उसको बोल दें, जबान बेरोक टोक बेधड़क, जो चाहें सो कर लें, ये उच्छृंखल का काम है। जो मन में आया सो भोग भोग लें, जिसकी चीज मन में आई उठा ली, इसी का नाम उच्छृंखलता होता है। तो धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। योग मन की उच्छृंखलता को भी इजाजत नहीं देता है। संयम और समाधि ये योग
का मुख्य अंग है। तो भगवान रामचंद्र जो हैं, वो संयम और समाधि के देवता हैं, वो धर्म के देवता हैं, और श्री कृष्ण जो हैं, वो अद्वैत ब्रह्म हैं, पुष्टि हैं और शरणागति हैं, तत्वज्ञान हैं। एक प्रश्न उठाया है कि ईश्वर को पक्षपाती क्यों न मान लिया जाए, कि वो अपने भक्तों का पक्षपात करता है। बोले कि अगर भगवान ही पक्षपाती हो जाएगा तो भक्त भी पक्षपाती होगा। माने भगवान ही जब पक्षपात करने लगेगा कि अपने लोगों का पक्ष लेना चाहिए, तो भक्त भी पक्षपाती होंगे कि हम भक्तों का पक्ष लेंगे। तो राग द्वेष की निवृत्ति भक्त के हृदय में से नहीं होगी। तो भगवान जो है वो तो राग द्वेष के आभास को सह भी सकता है, अधिष्ठान भी है, परंतु भक्त का हृदय तो राग द्वेष को सह नहीं सकता है। इसलिए भगवान विषमता में भी अपनी समता बनाए रखते हैं। वो रावण को ही नहीं मारते हैं, वो सीता को घर से निकाल भी देते हैं, वो लक्ष्मण को भी मरने की इजाजत दे देते हैं। आपने रामचरित्र में सुना ही होगा ना सर, ये मर्यादा बनाई थी। इस समय भगवान एकांत में है, कोई मिल नहीं सकता, लक्ष्मण को दरवाजे पर बैठा है। महात्मा आए, बोले लक्ष्मण अभी राम से मिला, तो महाराज अभी नहीं मिला। बोले अभी नहीं मिलाओगे तो हम ऐसा साथ देंगे कि अयोध्या भस्म हो जाएगी। और उधर राम ने कह रखा था कि अगर इस बीच में तुमने हमको किसी को मिलाया तो हम अपने हाथ से तुमको मृत्यु दंड देंगे। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि हमको मृत्यु दंड मिले ये ठीक है कि अयोध्या भस्म हो जाए ये ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने ये निश्चय किया कि मैं भले मर जाऊं पर अयोध्या भस्म ना हो, ये भगवान के भक्त हैं सब। ले गए महाराज महात्मा को रामचंद्र के पास। रामचंद्र ने कहा ये क्या किया, उसको नमस्कार किया। बोले महाराज आज्ञा, महात्मा जी से बोले कि बस हमारा मन तुम्हें देखने का था तो आ गया, अब मैं जाता हूँ। तो बोले महाराज तुमने तो देख लिया इधर तो हमारे भाई पर, लेकिन जो मर्यादा करी थी वो नहीं छोड़ी। सीता के संबंध में ये प्रश्न आता है, ईश्वर केवल सीता का है कि संपूर्ण प्रजा का है, ये भी तो एक ध्यान है। ईश्वर तो सारी प्रजा का है, केवल सीता का नहीं। तो मैत्री दयाम च सौख्यम च अथवा जानकी मति आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे यथा। भवभूति ने कहा, रामचंद्र ने कहा कि हमें अपने मित्र छोड़ने पड़े, दया छोड़नी पड़े, अपने सुख छोड़ने पड़े, जानकी छोड़नी पड़े, लेकिन मैं अपने आराध्य लोक को नहीं छोड़ सकता। लोकाराध्य राम है और रामाराध्य लोक है। लोग राम की आराधना करते हैं और राम लोगों की आराधना करते हैं। राम ने कहा कि हमारा इष्ट देव तो ये प्रजा है, अगर प्रजा के लिए हमें जंगल में जाना पड़े तो जाएंगे, अपने इष्ट मित्र माँ बाप छोड़ने पड़े तो छोड़ेंगे, धरती में सोना पड़े तो सोएंगे, कठोरता करनी पड़े तो करेंगे, पत्नी और भाई को छोड़ना पड़े तो छोड़ेंगे, लेकिन हम प्रजा को नहीं छोड़ सकते। ये तो जिनका हृदय मोहाक्रांत होता है ना, वो कहते हैं भाई को कैसे छोड़ दिया, पत्नी को कैसे छोड़ दिया। बोले भाई छोड़ न दे तो योगी लोग अपनी समाधि में उसको कैसे रखेंगे। जो सबको छोड़ के बैठेगा, जो सबको छोड़ के रहेगा, वही योगी की समाधि में रहेगा, और जो कुछ लिए दिए रहेगा वो योगी की समाधि में कैसे रहेगा। तो रामचंद्र के जीवन में ऐश्वर्य है वो क्या, जो काम विश्वामित्र से नहीं हो सकता वो राम करते हैं।
शंकर जी के धनुष को राम तोड़ते हैं, परशुराम को राम तोड़ते हैं, तो ब्रह्मा का अंश आया हुआ है विश्वामित्र में, शिव का अंश आया हुआ है धनुष में, और विष्णु का अंश आया हुआ है परशुराम में। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश भगवान रामचंद्र अपने में खींच लेते हैं, माने भगवान रामचंद्र का गुणावतार नहीं है, इसका अभिप्राय ये हुआ ब्रह्मा गुणावतार हैं, रुद्र गुणावतार हैं, विष्णु गुणावतार हैं, ब्रह्मा रजोगुण के अवतार हैं। माने चैतन्य तो एक ही है, रजोगुण में जो चैतन्य है उसको ब्रह्मा बोलते हैं, सत्वगुण में जो चैतन्य है उसको विष्णु बोलते हैं, तमोगुण में जो चैतन्य है उसको रुद्र बोलते हैं। रुद्रांश धनुष के रूप में आया, ब्रह्मांश विश्वामित्र के रूप में आया, और विष्णुवंश जो है सत्वांश वो परशुराम के रूप में आया, और भगवान ने सबको अपने अंदर खींच लिया। तो इसलिए त्रिगुणात्मक समष्टि में जो चैतन्य है वो रामावतार है, एक एक गुण में जो चैतन्य है वो रामावतार नहीं है। तो खाली धनुष चढ़ा देते तो रुद्र की बराबरी होती, रुद्र से श्रेष्ठता नहीं होती, इसलिए धनुष तोड़ दिया। तो ऐश्वर्य है राम के चरित्र में, धर्म है राम के चरित्र में, हो अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। पिता ने एक आज्ञा तो दी कि 14 वर्ष के लिए वन में जाओ, और एक आज्ञा दी कि हमको कैद करके जेल खाने में डाल दो और तुम राजा बनो। पिता मर गए, भरत ने आके राज्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भरत अधिकारी थे कि नहीं, पिता के देने की दृष्टि से ज्येष्ठ पुत्र होने से राम राज्य के अधिकारी थे, और पिता के दान की दृष्टि से देखें तो अब तो भरत घर में उत्तराधिकारी थे, उन्होंने लाके राम के चरणों में राज्य अर्पित कर दिया। पर जहु सत्यम न सुकृता, उन्होंने सत्य का, उन्होंने धर्म का, उन्होंने प्रतिज्ञा का परित्याग नहीं किया, ये धर्म है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि राम का जस संसार के प्रत्येक स्त्री पुरुष के कान में लगा हुआ है, करणे लगना, प्रत्येक स्त्री पुरुष के कान में राम का जस। स्त्री चाहती है कि राम सा वर हो और लक्ष्मण सा देवर। लक्ष्मी असल में रामचंद्र की मुट्ठी में थी। एक होते हैं धन के मालिक और एक होते हैं धन के सेवक, धन के पहरेदार। यक्षवित्त, हम लोगों की तरफ ये कहावत है, पहले लोग सोना चांदी धरती में गाड़ देते थे तो मरने के बाद वो सांप हो जाते और उसी धन पर रहा करते थे। तो वो कुछ किसी के छूने नहीं देते थे, कोई काटने जाए तो काट लेते थे, वो धन के मोह में सांप हो गया। तो अब तो वो जमाना बीत गया, अब तो धरती में कोई धन गाड़ता नहीं है, अभी भी कभी कभी बीत बीत में निकलता है। एक सेठ के घर में गमले लगाए हुए थे, पौधा ऊपर खूब फूल खिले हुए और गमले लगाए हुए, अब वो महाराज है ना, ये छापा पड़ा, बीच में थोड़े दिन छापा पड़ने लगा था ना, छापा पड़ा तो वो सब गमले तोड़ तोड़ के उनमें से सोने की सिल्लियां निकाली गई, हो पौधों के नीचे जड़ में, तो रोज गिनती होती थी उनकी, सब हैं कि नहीं उनकी पहचान होती थी। 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का सोना निकला था, मुंबई की बात नहीं है बोला, हाँ देश में दूसरे गांव से, आप लोग मुंबई को निर्मुक्त रखो। तो ये, लेकिन अब तो वो बात रही नहीं ना, अब तो ये कहीं नोट के बंडल में कीड़ा होंगे, कहीं लाकर में जाके रहना होगा तो सांप होके कैसे रहेंगे, बड़ी विलक्षण है। तो ये तो धन के पहरेदार हैं, धन के मालिक थोड़े हैं, अपने को मानते हैं, धनी डरते हैं चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। तो डरने वाला कोई धन का मालिक हुआ, जो खाए न सके खर्च न सके वो क्या धन का मालिक हुआ? तो रामचंद्र धन के मालिक थे। सप्तद्वीपवती वसुंधरा के स्वामी होने पर भी
उन्होंने इतना दान किया, इतना दान किया कि उनके पास केवल पहने हुए जो धोती पहने हुए थे उसके सिवाय दूसरा कोई वस्त्र नहीं था, और जानकी जी के शरीर पर मंगल सूत्र के सिवाय दूसरा कोई घर में, खजाने में, राजधानी में कहीं भी कोई चीज बची हुई नहीं थी। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपने सारी धरती दे दी और सारा खजाना दे दिया, सारा राज्य दे दिया, तो अब हम लोग वेद का पठन पाठन करें कि न करें, वेदांत का विचार करें कि न करें। बोले भाई करो, वेद का पठन पाठन करो और वेदांत का विचार करो। बोले महाराज अब हम लोग धन की रक्षा की चिंता करेंगे, पृथ्वी के पालन की चिंता करेंगे कि वेदांत का विचार करेंगे, कैसे होगा? बोले फिर महाराज क्या आज्ञा है? का आज्ञा ये है कि हम लोग, तुमने दिया और हमने लिया, अब तुम हमारे मैनेजर बन जाओ, हमारे दीवान बन जाओ, ये सारी संपत्ति हमारी है पर इसकी रक्षा दीक्षा पालन पोषण देखभाल तुम करो। हम लोगों के घर में तो खाने भर का बस मिल जाए, इतना ही चाहिए कि जिससे हमारा ये ब्रह्म विचार, ये वेदांत वेद का विचार का इसमें बाधा न पड़े, तो बस इस बात का ध्यान रखो। सर्वस्वम ब्राह्मणस्यैवम् यत् किञ्चित् जगति गतम्, जगत में जो कुछ है वो सब ब्राह्मण का। तस्यैवानुग्रहेणान्ये भुञ्जते क्षत्रियाः, अनुग्रह है क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को ईश्वर में लगा दिया है, इसलिए दूसरे लोग उसका भोग करते हैं। तो ये रघुनाथ जो है ये पुरुषोत्तम है। तो कितना ज्ञान है, लक्ष्मण को उपदेश करते हैं, और वैराग्य का वर्णन तो ऐसा बढ़िया है, संसार की कोई वस्तु कोई स्वीकार करे तो मेरे की सनासी से जहाँ किसी दूसरी चीज को बांधा ये मेरा, वहाँ उसके साथ तुम बंधे। ये गांठ का स्वभाव ये है, जो ग्रंथि पड़ती है ना गांठ, उसका स्वभाव ये नहीं है कि एक ही बंधे, वो तो दूसरे को बांध करके तब बंधता है। तो अपना मन जो है जब किसी चीज से बंधता है ना तो खुद बंध जाए। ब्रह्मवर्त पुराण, अठारहवां पुराण में से उसके प्रकृति खंड में ये बात आई है कि अग्नि देवता है, बोले कि सीता तो हमारी पुत्री है, ब्रह्मा अग्नि, अब ये मायके जाएगी। रामचंद्र बोले बाबा मायके जाएगी, व्रत कैसे पूरा होगा, मैं तो राक्षसों को मारना है। बोले तो हम राक्षसों के घर में जाने की इजाजत नहीं देते, हमारी बेटी नहीं जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जानकी तो हमारे पास रहेंगी, हम एक ऐसी बेटी बना के और दे देते हैं, छाया जानकी, वो रावण के घर में जाएंगे। असल में जो सच्ची शांति है वो राम के साथ रहती है, जो रावण के साथ जाती है रहती है, जिसको रावण ले जाता है, रावण के पास शांति कभी जाती नहीं, बलात् हरण करके ले जाता है, और स्वेच्छा से रहती नहीं, बलात् रखना पड़ता है। तो वो असली सीता, असली शांति कहाँ से होगी, वो तो नकली होगी। तो रावण माने अहंकार हो, ये रावण शब्द की व्युत्पत्ति वाल्मीकि रामायण में दी हुई है। ये रावण महाराज जब कभी कहीं से निकलते थे ना तो गांव में शोरगुल होता था, रव 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 से रावण बना, रव माने आवाज, शोरगुल होता था, क्या रावण आया रावण आया रावण आया, तो लोग घर द्वार छोड़ के भाग जाते थे, लोग गुफा में घुस जाते थे और लोग पहाड़ में छिप जाते थे। तो रावयति रावयति इति रावण, हाँ, जो सबको चीखने चिल्लाने के लिए विवश कर दे
उसका नाम रावण, ऐसा रावण है। ये अहंकार जो है ना, ये है राजस अहंकार की प्रधानता रावण में है, तामस अहंकार की प्रधानता कुंभकर्ण में है, और सात्विक अहंकार की प्रधानता विभीषण में है। तो सात्विक अहंकार तो भगवान की शरण में चला जाता है, और राजस और तामस अहंकार को मारना पड़ता है। ये रामायण की कथा का सार है। सबसे एक श्रेष्ठ चरित्र रामचंद्र का क्या है कि उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया। माने वैसे चरित्र तो सभी श्रेष्ठ हैं, निषाद से मैत्री करना, जयंता को भी न मारना, जटायु का भी उद्धार करना, सुग्रीव से मैत्री करना, सबरी के घर में जाके बैठना, ये सब चरित्र तो बड़े विलक्षण हैं। लेकिन मोह समुद्र से पार जाने के लिए एक सेतु का मर्यादा, इसी से देखो ये सेतु को ही मर्यादा कहते हैं। हो सेतु माने दो खेत के बीच में जो मेड़ होती है ना, जैसे प्रेम कुटी और प्रेम कुटी के बाद वाला मकान, और दोनों के बीच में जो मेड़ है, सीमा है, यहाँ तक प्रेम कुटी का और उसके बाद उधर दूसरे मकान का, ये मेड़ जो बीच में है ना, उसी को सेतु कहते हैं। तो धर्म और अधर्म को पृथक करने वाली जो मर्यादा होती है वो सेतु है, वही मर्यादा सेतु है। और पुल पर से इधर से उधर निकल जाए उसको भी सेतु कहते हैं। वेद में ईश्वर का नाम सेतु है, एस सेतुर विधरणा, यही सबकी सेतु है और यही सबको धारण करता है। ब्रह्म सूत्र में इस वेद मंत्र पर चर्चा है कि वहाँ मर्यादा आदि का निरूपण ईश्वर में है, तो वो कैसे है। बोले भगवान राम के मन में एक बात आई कि यदि हम युद्ध करें तो युद्ध तो हम भारत भूमि पर भी कर सकते हैं, लेकिन युद्ध की नीति है जहाँ तक हो सके अपनी धरती पर युद्ध नहीं करना, पराई धरती पर युद्ध करना हो, ये युद्ध की नीति है। क्योंकि अपनी धरती पर युद्ध होने पर अपनी प्रजा की हानि होती है, अपना जन धन मरता है, और दूसरे की धरती पर युद्ध होने पर हानि शत्रु की होती है, अपनी नहीं होती है। वो चाहते तो ऐसा खेल खेल सकते थे कि सब असुर लोग, राक्षस लोग लंका से आवे, यहाँ आक्रमण करें और उनको मारा जाए। लेकिन लंका की राक्षसियां जो थी ना, स्त्रियां, उनको भगवान का दर्शन कैसे होता, तो उनको दर्शन दे करके उनको भी कृतार्थ कर दिया जाए, उनका भी कल्याण होए। केवल मारना ही नहीं था, चित्त में परिवर्तन करना भी था ना, अश्वमेधादि यज्ञ करना। कहते हैं कि एक बार सीता जी खेल रही थी बचपन में, कोई खेल खेल रही, तो एक तोता, पति पत्नी दोनों सुख चुकी, दोनों आपस में मिलजुल रहे थे, प्रेम आलाप कर रहे थे, प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे। तो खेलते खेलते जानकी जी ने एक डला उठा के उनकी ओर फेंक दिया, तो सुख जो है वो उड़ करके दूर चला गया, सुखी वहीं रह गई। तो सुखी ने कहा कि तुमने हमारे प्रियतम को, हमारे पति को हमसे दूर फेंक दिया है, तो कभी ऐसा तुम्हारे जीवन में भी ऐसा अवसर आवेगा। इसको ऊती न्याय बोलते हैं, उतयः कर्म वासना, सातवें स्कंध में कर्म वासना का वर्णन है ना, कर्म वासना। तो बोली ये कर्म वासना जानकी जी पर तो नहीं लगनी चाहिए, वो तो रामचंद्र की शक्ति है। अरे आपने ये नहीं सुना, राम ने बाली को मारा तो वही व्याध बना जिसने कृष्ण के पांव में बाण मारा, ये कथा आपने सुनी कि नहीं सुनी। बोले ये कर्म वासना की प्रबलता बताने वाले जो नियम हैं, उनका उल्लंघन ईश्वर भी जानबूझ करके नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं कि यदि ईश्वर
कर्म बंधन का, कर्म नियम का उल्लंघन करने लगेंगे तो दूसरे लोग भी उनकी देखा देखी कर्म बंधन का उल्लंघन करेंगे। देखो लोक की मर्यादा, बंदरों के साथ मैत्री है रामचंद्र से। जो लोग अपने बड़प्पन के मद में, बोले भाई हमारे ऐसे कई मित्र मिले बंबई में भी और दूसरे शहरों में भी, तो वो कहते थे कि महाराज हम आपके प्रवचन में आके कैसे बैठे, वहाँ हमारी कक्षा का कोई आदमी नहीं आता। ऐसे बोले बिल्कुल, हमको कह दिया कि हमारी कक्षा का कोई नहीं आता है। अब वो बड़प्पन का अभिमान है ना, अब वो बड़प्पन का अभिमान तो उनका सुरक्षित रहे, भगवान करे और बड़े बने, उस पर तो अपने तो कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन उसके कारण जो सत्संग से वंचित हो गए, एक बढ़िया बात से भी तो वंचित हो गए ना वो, जिसमें उन्हें बहुत चीज व्यवहार के लिए सीखने को मिलती, अपने मन की शांति के लिए मिलती, अपने परलोक के कल्याण के लिए मिलती, तो उससे तो वो वंचित हो गए ना, बड़प्पन के अभिमान में वंचित हो गए। तो राम भगवान ईश्वर तो थे ही, इस धरती पर भी तो सम्राट थे, लेकिन बानर बन केवट मीत कहे सुख मानस, बानर बंधु बड़ाई रघुवर रावरी यह बड़ाई, केवट मीत कहे सुख मानस है, निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई। धनी का अनादर करके, निदर गनी आदर गरीब पर गरीब का आदर कर, कृपा का पात्र वो नहीं होता जो अपने धन से, जन से, शरीर से, अभिमान से संतुष्ट है, वो कृपा का पात्र नहीं होता। कृपा का पात्र वो होता है, तो केवट है, गीद है, बानर है, हैं? जो समाज में छोटी अवस्था का माना जाता है, सबरी है, उससे मैत्री करने में श्री रामचंद्र भगवान की बड़ाई है।